मैम निकालेंगे एक मिनट। क्या बात आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जीवन के साथ भी जीवन के बाद अलग ही है। डे आप उसी के सामने आ जाते हैं, सो यू हैव टू बी फेस योर फियर्स एट एवरी टाइम एंड इट्स ऑब्वियसली बिन वेरी चैलेंजिंग, इट्स बिन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई लव द वर्क आई डू। आई मीन जो मैंने कैरेक्टर्स इन द पास्ट किए हैं, आई हैव नेवर डन समथिंग दैट्स रेपिटेटिव एंड इट्स बिन द सेम। आई थिंक हर रोल एक अलग लाइट में रहा है, एक अलग एस्पेक्ट में रहा है एंड ये भी एक बहुत बहुत अलग सेंसिटिव एंड इमोशनल एस्पेक्ट में है जहाँ मुझे अपना एक अपना नया साइड दिखा, यू नो, एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर। ओके, ये देखिए मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि मैं 90s किड रहा हूँ, तो उस तरीके का जोन, उस तरीके का कल्चर मुझे बहुत ही पसंद है म्यूजिक में। तो ये जब उस तरीके का गाना है, और आई एम श्योर कि काफ़ी लोग हैं ऐसे जो कि 90s के मेलोडी के दीवाने हैं और वो चाहते हैं कुछ ऐसा गाना है हमारे दौर का, और वैसे गाने भी हम सुने, तो ये गाना वैसा है। और अगर आप गाने उस तरीके के गाने 90s के आप गाने पसंद करते हो, 90s के 80s के, तो आपको ये गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और आप एक बार बस उस गाने को सुनिए, वीडियो देखिए, उसमें विक्रम है इतना अच्छा काम किया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। यस गरीबाना तेरा मरहम है मेरे जख्मों का खुदा, दूरी तुझसे ऐसे जैसे मजे जा रहा हूँ बेवजह, मेरी कोशिशें सारी तुझे पाने की है, मुझमें तू ही तू है हर जगह, मेरे सुकून का पता है तू, मेरे तो दर्द की दवा है तू, मेरे सुकून का पता है तू, मेरे तो दर्द की दवा है तू। थैंक यू सर।